हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में एक प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअल में जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी हमें उसके एक्चुअल बेनिफिट्स पता चलते हैं। तो प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको पता ही है, नाम्या नेचुरल स्किन केयर। ये ऑयल है, बॉडी के लिए है, और मतलब पूरा बॉडी, होल बॉडी आप पे ये यूज कर सकते हैं, पूरी बॉडी पे। टोनिंग के लिए काम आता है, पूरा वंडर ऑयल है ये। स्किन थेरेपी ऑयल आप इसे कह सकते हैं, ओवरऑल अगर आप बोलना चाहे तो। तो इस तरह के कुछ पैकेजिंग में आपको मिलेगा, काफी बड़ा है। और अगर मतलब इसका स्मॉल बॉटल नहीं आती है, जो मिनिमम इसकी बॉटल है वो इतनी ही बड़ी है। और ये ऑयल इजिली आपका काफी टाइम चल जाता है, बिकॉज थोड़ा बहुत ही आपको लगाना होता है। इस तरह के कुछ येलो उसमें आता है, देखने से अगर कुछ आयुर्वेदिक लग रहा है तो, बट आयुर्वेदिक इस टाइप का कुछ नहीं है। स्मेल वॉज वेरी नाइस, मतलब स्मेल ऐसी नहीं है कि आप उसको नहीं स्मेल कर पाओ या फिर आपके दिमाग में चढ़े, ऐसा नहीं है। तो आप पॉइंट पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये जो ऑयल है वो इजिली अगर आप सर्च करते हो स्ट्रेच मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले आपको ये ऑयल शो हो जाता है कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए ये बहुत अच्छा है। एक्चुअल में बहुत अच्छा है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली 6 महीने तक इस्तेमाल करते रहोगे तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। इवन धीरे धीरे वो पूरी तरह से रिमूव हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली इसे यूज कर रहे हो तो। ठीक है, 2 बार आपको यूज करना होता है, तो मतलब नहाने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो, रात को सोते टाइम आप इसे यूज कर सकते हो, बिकॉज दिन में तो और भी बहुत काम होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता होगा सभी के लिए, इवन मेरे लिए भी होता है। सो ये 200 ml आपको मिलेगा। इसकी जो MRP है गाइज वो है 800 rupees, बट ऑनलाइन आपको पता है कि डिस्काउंट मिलता है। अगर आप Amazon से या नायका से आप परचेज करते हैं, नायका से 600 का मिलेगा, Amazon से अगर आप करते हो तो 522 तक का आपको मिल जाएगा। तो यस ऑफ कोर्स, और इसकी ये बना है जनवरी 2021 में, एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा है, ये 3 साल तक आप यूज कर सकते हो। सो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ लिखा है। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑयल आपको किस किस चीज में काम आता है। सबसे पहली बात तो दिखने में ये बिल्कुल सरसों ऑयल मतलब ऑलिव ऑयल जैसा बिल्कुल लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसको जब आप यूज करोगे तो सबसे पहले बिल्कुल भी चिपचिपाहट इस ऑयल में नहीं है। मैं आपके साथ हैंड टू हैंड शेयर भी करती रहती हूँ, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। इस तरह की एक पिन आती है इसमें, इस तरह का एक छोटा सा एक डॉट आता है वो इसमें करके। ऑयल मैं आपके साथ एक्चुअल में इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप समझ सके, एवरीडे में अगर आप यूज कर भी रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। देखो अभी ये लग रहा है, बट अभी थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे बिल्कुल पूरी तरह से ये ऑब्जर्व हो चुका होगा, पूरी तरह से ऑब्जर्व हो चुका होगा, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। सो हम गर्ल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम ऑफिस आ रहे हैं तो कोई चिपचिपाहट ना हो, इवन गर्मी में भी। और सर्दी में तो चलिए हम इतना फोकस नहीं करते, और अभी तो विंटर्स चल रहे हैं। तो मेरा रेकमेंड है कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है आपके यहाँ पे या थाइज पे या कहीं पे भी, आप इसको एवरीडे मतलब 2 बार आप इसको यूज करें, उससे आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंटिन्यूसली आप इसे स्टार्ट करें। सेकेंड ये कि अगर आप नाइट स्किन केयर करते हो, अच्छी बात है, करिए। मैंने पर्सनली इसे यूज किया है, तब मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और मैंने इसे 3 से 4 दिन फेस पे रात को मतलब जैसे थोड़ा बहुत मसाज करती हूँ, थोड़ा ज्यादा ऑयल लेके, और फेस पे मैं लगा के सोने लगी, तो मास्क की वजह से मुझे छोटे छोटे यहाँ पे दाने होने लग गए थे, जिसमें से व्हाइट मतलब अच्छा नहीं लगता था मुझे, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो यहाँ पे छोटे छोटे दाने, यहाँ पे तो वो सारी चीजें सीरियसली गाइस, जिससे सीरियसली वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है। जब मैं सुबह उठती हूँ लगा के, तो सीरियसली मेरा फेस इतना ज्यादा ग्लो करता है। तो अगर मैं आपको सिंपली तौर पे बताऊं, अगर आप बहुत ज्यादा स्किन केयर रूटीन नहीं कर सकते हो, तो आप हम जैसे गर्ल्स के लिए ये ऑयल बहुत ही वंडर ऑयल है। आप इसको पर्सनली एक बार यूज करिए रात को सोते टाइम, दिन में ऑब्वियस बात है आप नहीं कर पाओगे। रात को सोते टाइम आप फेस वॉश करिए अच्छे से, उसके बाद आप इसे एज अ थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट लेकर आप इसे पूरे ओवरऑल फेस पे लगा के सो जाइए। सुबह आपको बहुत ही एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे चमक देखने को मिलेगा, और ड्राइनेस तो पूरा दिन आ ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी।
नहाने के बाद आप इसे बॉडी पर अगर लगाते हो, मैं पर्सनली मैंने यूज किया है, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल जहां जहां से अनइवन स्किन है बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से स्मूथ हो गई है, बिल्कुल कहीं पर भी छोटे छोटे जो दाग धब्बे होते हैं वो सब रिड्यूस हो गए हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है मतलब एक्चुअल में। तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, विटामिन ई ऑयल कैप्सूल वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आप लीजिए, डायरेक्टली आप इसे यूज करिए, फेस पे कर सकते हैं, बॉडी में कर सकते हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करेगा, आपके डार्क सर्कल हटाएगा, आपके जो स्मॉल पिंपल्स यहाँ यहाँ पे आ जाते हैं उन सबको हटाएगा, ब्लैक हेड्स आपकी रिमूव कर देगा, हर तरीके के पिंपल्स के स्पॉट जो है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप यूज करोगे तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। मैंने भी इसको स्ट्रेच मास्क की वजह से ही लिया था कि मैं इसे बॉडी टोनिंग के लिए ले लूंगी और दैट्स इट, मैं इसे यूज करूंगी करके देखती हूँ। जब मैंने यूज किया तो एक्चुअल में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और बहुत ही नेचुरल ऑयल है, किसी तरीके का कोई ऐसे इसमें प्रोडक्ट नहीं है जिससे आपकी स्किन को कोई नुकसान पहुंचे या किसी तरीके से अगर आपकी स्किन कहीं से अनइवन भी हो रही है। बेसिकली सर्दियों में ऐसा हो जाता है, ड्राईनेस की वजह से यहाँ से कुछ काला वगैरह पड़ जाता है, आपके माउथ के आसपास हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम के लिए भी आप ये ऑयल आप यूज कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल यूज मैं आपको बता रही हूँ रिव्यू, आप यूज करो, उसके बाद आप अपना कमेंट करके बताना कि आपको क्या एक्चुअल में सूट किया है। हो सकता है मेरा स्किन टाइप है तो मुझे सूट कर गया, हो सकता है आपको करे ना करे, बट यस नेचुरल है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए ये उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो बस यही है जो मैंने मतलब ऑयल अब मैं यूज करती हूँ रात को, और बॉडी में भी मैं यूज करती हूँ हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। अगर मुझे एक ऑयल मिल रहा है तो ये सबसे अच्छी बात है, बिकॉज पूरे दिन की थकान के बाद बहुत सारी चीजें अप्लाई करना और फिर उन्हें वॉश करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट हम गर्ल्स के लिए हो जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। सो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स है, डार्क सर्कल्स है या कुछ भी है, स्ट्रेच, देखिए स्ट्रेस आजकल इतना है मतलब कि हो जाता है, कोई बात नहीं, स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं कोई बात नहीं, बॉडी जब ग्रो करती है तो हो जाता है स्ट्रेच मार्क्स भी, और पिंपल्स मार्क आ गया है मास्क की वजह से, यहाँ छोटे छोटे व्हाइट 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 हेड्स निकलते हैं, ब्लैक हेड्स आपके नोज पे हो जाते हैं, तो आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को बस सोते टाइम आप इसे लगा लो, बट फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लो और उसके बाद आप लगा लो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा, और अगर आपको हेल्प करता है, अगर आप सोच रहे हैं लेने के लिए, तो प्लीज लाइक वीडियो को कर देना अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और उनके लिए भी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा, और मेरे लिए भी आप दुआएं कीजिएगा, हम सब खुश रहें, और तब तक के लिए बाय बाय, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय।